की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मतगणना जारी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती चल रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 146 सीटों पर आगे चल रही है और गुजरात में कांग्रेस महज 23 सीटों पर ही आगे है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है और ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब तक ये आंकड़ा महज 3 पर अटका हुआ था। लेकिन गुजरात में अन्य सीटों पर ऐसे 4 उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, जो आगे चल रहे हैं। तो गुजरात में कांग्रेस 23 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे हो गई है, 1 सीट का नुकसान, और गुजरात में अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात के उन आंकड़ों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 147 सीटें, देख लीजिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे है। हमारा एग्जिट पोल लगातार यही कह रहा था कि गुजरात की 182 सीटों में से 110-125 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, तो इस वक्त एग्जिट पोल से थोड़ी ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे, और कांग्रेस 45-60 सीटें, हमने बताई थी कि 45-60 सीटें कांग्रेस के पाले में आएगी, लेकिन कांग्रेस इस वक्त 23 सीटों पर ही आगे चल रही है। और अब आपको एक एक उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, कौन कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। गुजरात के वीरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले तक मतगणना में हार्दिक पटेल पीछे थे। गांधीनगर नॉर्थ में बीजेपी आगे, तो गांधीनगर साउथ में भी बीजेपी के अल्पेश ठाकुर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांडवी से आम आदमी पार्टी की साइना बेन आगे हैं और मोरबी की 2 सीटों पर, दोनों पर ही बीजेपी आगे है। 1 सीट पर मोरबी की कांग्रेस भी आगे चल रही है। भरूच से बीजेपी के रमेश भाई फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो देखिए, गुजरात की टैली आपको लगातार दिखाई जा रही है। गुजरात के रण में आप देख लीजिए, गांधीनगर नॉर्थ से आगे हैं और गांधीनगर साउथ से भी बीजेपी ही आगे है। हार्दिक पटेल भी इस वक्त वीरमगाम से आगे चल रहे हैं बीजेपी के। आम आदमी पार्टी की साइना बेन जो है वो मांडवी से आगे चल रही है। जो टैली है, ये टैली एक बार आप देख लीजिए, 182 सीटों का रुझान इस वक्त सामने आ गया है। 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, कांग्रेस की 22 सीटों पर बढ़त, आम आदमी पार्टी की 9 सीटों पर बढ़त, तो बल्कि जो अन्य दल हैं या निर्दलीय हैं वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि हमारा एग्जिट पोल लगातार यही कह रहा था कि बीजेपी 110-125 सीटों के बीच जीत हासिल करेगी, कांग्रेस को 45-60 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1-5 सीटें मिल सकती है गुजरात में, जबकि अन्य जो निर्दलीय हैं उनके पास कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें आ सकती हैं। तो ये हमारा एग्जिट पोल था, और 2017 के नतीजों के मुताबिक देखा जाए तो जहां 2017 में बीजेपी के पाले में केवल 99 सीटें थी, तो इस बार पिछले बार के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर सकती है, ये हमारा अनुमान है। और कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनावों से और ज्यादा खराब हो सकता है, ये भी अनुमान, ये संभावना हमारे एग्जिट पोल की है। गुजरात में वोटों की गिनती के लिए कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, गुजरात में जो मतगणना चल रही है वो इस वक्त 182 विधानसभा सीटों की है और 37 मतगणना केंद्र है, और 37 मतगणना केंद्र पर गुजरात की 182 विधानसभा की एक एक वोटों की गिनती हो रही है। गुजरात को अगर बीजेपी की जीत की प्रयोगशाला कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई में बीजेपी 27 साल से काबिज है यहां पर, 27 साल से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी का राज है। गुजरात की जनता दोबारा बीजेपी को चुनने का फैसला कर सकती है, यह हमारा एग्जिट पोल कहता है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी गुजरात में सबका सुपड़ा साफ कर रही है, कांग्रेस का सूखा बरकरार रह सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी का ख्वाब मुंगेरी लाल का सपना साबित हो सकता है, और बीजेपी इस बार 2017 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। ये वो सारे अनुमान हैं जो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक लगे हैं। और इस बीच जो गुजरात के रण में आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये कि बीजेपी 145 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे हैं, साइना बेन जो है मांडवी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वो आगे चल रही हैं अभी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से, और 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो कि 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो गुजरात के चुनाव हैं उसमें जो हमने एग्जिट पोल किया उसमें हमने सवाल पूछा कि आखिर किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं,
तो हमने जो एग्जिट पोल के माध्यम से जाना, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात का अगर कोई था जिसके आधार पर वोट किया गया था, तो वो था नरेंद्र मोदी का समर्थन या फिर विरोध। तो 34% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है। या तो वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं इसलिए, या वो नरेंद्र मोदी को कतई पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री को हराने के लिए वोट किया है। तो आप देख लीजिए कि 34% लोग जो हैं गुजरात के, वो नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध करते हुए वोट करने के लिए पहुंचे थे। जबकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है, इसके आधार पर 18% लोगों ने वोट किया। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिन जिन लोगों को मिला है, उन लोगों की संख्या 18% थी जिन्होंने इसी आधार पर वोट किया है। जबकि 11% लोगों ने महंगाई के नाम पर वोट किया है और 9% लोगों ने बेरोजगारी के दम पर वोट किया है। 6% लोगों को राज्य सरकार का कामकाज या तो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, तो राज्य सरकार के कामकाज के दम पर 6% लोग वोट करने के लिए पहुंचे। तो 5% लोगों को उनके विधानसभा के विधायक का कामकाज कैसा लगा, इस आधार पर उन्होंने वोट किया है। 3% लोगों का आधार ध्रुवीकरण रहा है। ध्रुवीकरण यानी कि जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा गुजरात में अक्सर देखने को मिलता है, 2002 के दंगे से लेकर आज तक लगातार गुजरात में हिंदू सीटें मुस्लिम सीटें ऐसे बंटवारा लगातार होता रहा है, और जो ध्रुवीकरण का आधार रहा है, 3% लोगों ने हिंदू मुस्लिम के दम पर वोट किया है, और 14% लोग ऐसे रहे जिनके कारण इन सभी से इतर थे, उन सभी की वोटिंग का आधार कुछ और था। साथ ही जो चौंकाने वाले आंकड़े समझ आए हैं वो ये कि 49% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनमें 6% ऐसे हैं जिन्हें किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को चुनने का या फिर नोटा बटन दबाने का फैसला लिया है। और खासतौर पर महिलाओं में और शहरी महिलाओं में सबसे ज्यादा रुझान देखा जा रहा है बीजेपी की ओर, क्योंकि 52% महिलाओं ने बीजेपी को वोट करने का फैसला किया है। और शहरी इलाकों में अगर पुरुष और महिला मिला लें तो शहरी इलाकों की जनता ने 22% शहरी जनता ने वोट किया है कांग्रेस को, जबकि 52% शहरी जनता ने वोट किया है बीजेपी को। तो यहां पर आप देखिए 52% महिलाओं का वोट बीजेपी के साथ, 52% शहरी इलाके के लोगों का वोट बीजेपी के साथ, 49% फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट बीजेपी के साथ, 49% ग्रामीणों का वोट बीजेपी के साथ, और 58% प्रवासी वोटर्स का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसी का परिणाम देखिए, 182 सीटों के इस रुझान में 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, आम आदमी पार्टी तो आसपास भी नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस भी बहुत लंबा गैप ले चुकी है। इस गैप को भरना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हालांकि आंकड़े इस तरह बदल रहे हैं और इस कदर बदल रहे हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो गुजरात के वीरमगाम से जो हार्दिक पटेल हैं, जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए हैं, अल्पेश ठाकुर वो भी अब बीजेपी में आ गए हैं, और ये दोनों ही बीजेपी के दम पर चुनाव लड़के आगे चल रहे हैं। मोरबी की एक सीट पर कांग्रेस आगे, तो मोरबी की 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। मोरबी वही जहां पर पुल गिर गया था, पुल गिरने के बाद बहुत ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई थी, और उसी मोरबी में अब जनता बीजेपी का साथ दे रही है।